हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन आपके लिए लाता है हमेशा डिलीशियस रेसिपीज। तो डिलीशियस रेसिपी के लिए बने रहे मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ, बनाते रहिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपीज। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस कीजिएगा, और अच्छी अच्छी रेसिपी देखना है तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चले फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कौन सी रेसिपी लाए हैं, चले बनाते हैं आज की अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में बना लेते हैं स्पेशल स्पेशल मसाला पीनट। बारिश का मौसम हो और मसाला पीनट और साथ में गरम गरम चाय या कॉफ़ी, इसका आनंद ही कुछ और है। तो आज हम आपको वीडियो में टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताएंगे कि मसाला पीनट जो कि बाज़ार में बहुत लोग पसंद करते हैं, बाज़ार से लेकर आते हैं, लेकिन हम घर पर ही बनाएंगे बिल्कुल क्रिस्पी हल्दीराम जैसे मसाला पीनट घर पे। तो बने रहिएगा वीडियो में टिप्स और ट्रिक्स के साथ, हम शेयर करेंगे कि मसाला पीनट स्पेशल मसाला पीनट कैसे बनाएं और किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि ये इतना ही क्रिस्पी बने जितना आप बाज़ार से लाते हैं। देखिए है ना बहुत ही क्रिस्पी, तो बिल्कुल इसी तरह से हम बनाएंगे आज ये मसाला पीनट स्पेशल मसाला पीनट। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो चले फ्रेंड्स, बना लेते हैं मसाला पीनट। तो यहाँ पे हमने पीनट लिए हैं 100 ग्राम। इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना है, इसको अच्छे से वॉश कर लें, बहुत देर तक भी वॉश ना करें, ये छिलके उतरने नहीं चाहिए। तो अब इसको हम अच्छे से छान लेंगे। तो ये पानी हमें ड्रेन करना है, तो इसको अच्छे से छान लें। तो बहुत ज़्यादा देर तक हम इस पीनट को भिगो के नहीं रखना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद इसको पानी को ड्रेन कर लें। तो देखिए पानी अच्छे से ड्रेन कर दिया हमने, तो ये पीनट अब रेडी है। अब हम यहाँ पर लेंगे 100 ग्राम बेसन। तो 100 ग्राम बेसन हमें लेना है, जितना पीनट है उतना ही बेसन। ऐड कर देंगे 25 ग्राम कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर इसको बहुत ही क्रिस्पी बना देता है, तो ये बहुत ही सीक्रेट टिप्स है फ्रेंड्स। कॉर्नफ्लावर यूज़ करें या फिर कॉर्न स्टार्च भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये पीनट को बहुत ही क्रिस्पी बना देते हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट। ऐड कर देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो एक एक करके हम सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर। यदि वाइट पेपर ना हो तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनाता है, एक तीखापन इसमें ऐड कर देता है। अब हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्यों ऐड किया फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा इसको क्रिस्पी बनाता है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये देगी मिर्च है फ्रेंड्स, थोड़ा तीखा होता है, यदि आपको कम तीखा पसंद है तो आप कम यूज़ करें। तो हमें पीनट ऐड करना है इसमें, लेकिन उससे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो स्पैचुला यूज़ करें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि सारे इन्ग्रीडियंट आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम जो भीगे हुए पीनट है उसको ऐड करेंगे। पीनट भीगा हुआ तो है लेकिन इसमें पानी की मात्रा नहीं है। तो देखिए पीनट ऐड कर लिया, अब हम इसमें पानी के छींटे देंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, सिर्फ पानी के छींटे देना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी के छींटे देंगे, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना, जस्ट ये बाइंड हो जाए बस इतना ही पानी के छींटे हमें देने हैं। तो स्प्रिंकल करेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करेंगे, उसको मिक्स करते जाएंगे। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए वैसे ही पानी
ऐड करना बंद कर देंगे। तो देखिए पानी के हम छींटे दे रहे हैं सिर्फ, और इसको मिक्स करते जा रहे हैं। इसको मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे, तब तक तेल गरम कर लेंगे और स्पेशल मसाला भी हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स करें। एक साथ ज़्यादा पानी ऐड ना करें। आप देख सकते हैं कि पानी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स करते जा रहे हैं हम, और ये अच्छे से बाइंड हो गया। आप देखिए बिल्कुल अच्छे से बाइंड होने को है। तो ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से बाइंड हो जाए, उसके बाद हम इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और कोटिंग अच्छे से चढ़ जाए। तो पीनट पे कोटिंग चढ़ना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें, उससे ये पीनट में से जो कोटिंग है वो उतर जाता है। आप देख सकते हैं पीनट पे कोटिंग बहुत अच्छे से चढ़ गया है। तो अब हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे पानी ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला पीनट हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है और कोटिंग अच्छे से इस पर चढ़ गई है। तो अब इसको हम थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे, उसके बाद हम स्पेशल मसाला अपना रेडी कर लेंगे। तो देखिए रेडी है, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर और हम ऑयल को गर्म होने के लिए रखेंगे। देखिए ऑयल हमने गर्म होने के लिए रखा है, ऑयल मीडियम हॉट हो जाए तब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ऑयल को हमने लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रखा है, तब तक रेडी कर लेते हैं मसाला। ये है स्पेशल मसाला, हमने क्या क्या लिया हम बता देते हैं। हमने एक इंच टुकड़ा दालचीनी का लिया है, जावित्री आधा, और हमने लिया है ड्राई जिंजर, यहाँ पर दो हमने ग्रीन कार्डमम लिया है, 5 हमने लौंग लिया है, और 8 से 10 ब्लैक पेपर, जावित्री जायफल का हमने एक टुकड़ा लिया है, और हमने लिया है ड्राई अमचूर पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, और 1/4 टीस्पून जीरा, और 1/4 टीस्पून हमने सौंफ लिया है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, इनको हमें बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बनाना है। तो सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे, लेकिन नटमेग को हम कद्दूकस करके ऐड करेंगे, यानी जायफल हमें कद्दूकस करके ऐड करना है, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ हम इसमें ऐड कर देंगे। हम नटमेग को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए नटमेग को हम ग्रेट कर देंगे। तो ये आधा नटमेग हमने ऐड किया है, अब इसको फाइन पाउडर हम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम ग्राइंड करेंगे, अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। यदि अच्छे से नहीं पीसता है तो आप उसको छान लीजिए ताकि बिल्कुल फाइन पाउडर हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं अच्छे से। देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर हमने बना लिया है, ये देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर रेडी है। ये फ्रेंड्स आप किसी भी तरह का यदि स्नैक्स बनाते हैं तो उसमें इस पाउडर को ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत ही स्पेशल टेस्ट आ जाता है। तो स्पेशल मसाला हमारा रेडी है फ्रेंड्स। चलिए तेल भी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें हमारे मसाला पीनट फ्राई कर लेंगे। तेल को मीडियम हॉट रखना, ये देखिए जैसे ही डालते हैं बबल्स आ जाता है। अब इसमें सारे पीनट हम ऐड कर देंगे एक साथ। तो सारे कोटेड पीनट हमने ऐड कर दिए हैं, अब एक टूथपिक के से या फिर आप साटे स्टिक यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, और इसको इस तरह से फैला दें। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा तेल यूज़ कर सकते हैं, हमने बहुत कम तेल यूज़ किया है। ये देखिए इसको अच्छे से हम इस तरह से फैला देंगे, जिससे ये अलग अलग बिल्कुल फ्राई होगा, और फ्राई होने के बाद आप देखेंगे कि जैसे बाज़ार में मिलता है वैसे ही अलग अलग ये सेपरेट हो जाते हैं और कोटिंग चढ़ी हुई रहती है।
तो फ्रेंड्स देखिए बहुत अच्छे से हमें फ्राई करना है। ध्यान रखें कि फ्लेम को इस समय आपको मीडियम रखना है, हाई नहीं करना और ना ही लो रखना है। यदि लो रखेंगे तो ये तेल पी जाएंगे और हाई रखेंगे तो जल जाएंगे। तो आपको मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसको हम अच्छे से मिक्स करते जा रहे हैं और फ्राई करते जा रहे हैं। चेक कर लेंगे कि ये क्रिस्पी हुए या नहीं। जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाए वैसे ही हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे। तो देखिए खूब अच्छे से फ्राई हो गए हैं हमारे मसाला पीनट, स्पेशल मसाला पीनट। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेपरेट हो गया। तो जैसे ही ये अच्छे से फ्राई हो जाए हम इसको छलनी पे निकाल लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से ये फ्राई करना है आपको। इसको थोड़ा सा धीरे धीरे चलाना है, बहुत तेज़ से नहीं चलाना है कि इसका कोटिंग उतर जाए। आपको धीरे धीरे इसको चलाना है और फ्राई करना है। हमने यहाँ बहुत कम तेल पे इसे फ्राई किया, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हमने यहाँ शैलो फ्राई किया है। आप देख सकते हैं बहुत क्रिस्पी हो जाता है और ये बहुत फूल भी जाता है क्योंकि हमने बेकिंग सोडा यूज़ किया था मैरिनेशन में। तो ये देखिए बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं एक हल्का सा झाग इसमें आता है क्योंकि हमने बेकिंग सोडा यूज़ किया है, तो उसकी वजह से ये क्रिस्पी हो जाता है और आपको ये खाने में बहुत ही क्रंची क्रिस्पी लगता है। तो फ्राई कर लेंगे हम इसे। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से हमारा मसाला पीनट रेडी हो रहा है। हमने चाय गरम करने के लिए रखा है, चाय रेडी हो रहा है और जैसे ही चाय तैयार होगा हमारा मसाला पीनट भी रेडी हो जाएगा। तो सावन के महीने में बारिश के मौसम में मसाला पीनट हो और एक कप गरम गरम चाय, तो क्या कहने। तो चलिए जल्दी से हम रेडी कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से और हमारा मसाला पीनट लगभग बनकर रेडी होने को है। आप देख सकते हैं ठीक इस तरह का कलर आ जाए। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। तो जाली पर निकाल लेंगे इसको। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा मसाला पीनट रेडी है, जाली पे निकाल रहे हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। तो देखिए इन सबको हम निकाल लेंगे, ऑयल को ड्रेन कर लेंगे, उसके बाद जो हमने स्पेशल मसाला बनाया है उसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो 100 ग्राम हमने पीनट बनाया तो हमें तकरीबन 2 टेबल स्पून मसाला ऐड करना है। तो इसको पहले ऑयल को ड्रेन होने देंगे, ठंडा होने देंगे, लेकिन ठंडा होने से पहले ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबल स्पून स्पेशल मसाला। तो देखिए सबको हमने जाली पे निकाल दिया है और हमारा मसाला पीनट, स्पेशल मसाला पीनट रेडी है। इसमें हमने मसाला 2 टेबल स्पून ऐड करके मिक्स कर दिया और अब ये बिल्कुल क्रंची मसाला पीनट रेडी है खाने के लिए। साथ में हो गरम गरम चाय, तो क्या कहने। बहुत ही स्पाइसी है और बहुत टेस्टी क्रंची है। देखिए आप कितना क्रंची है। तो फ्रेंड्स जब भी आपका मन करे कुछ तीखा कुछ स्पेशल खाने का तो बना लीजिए मसाला पीनट। हमारी तरह बनाइएगा, बहुत ही डिलीशियस होगा। और बताइएगा हम आपके लिए और कौन सी रेसिपी लेकर आएं। आपकी पसंद की रेसिपी हम लाते हैं हमेशा आपके लिए। तो चलिए बनाइए जल्दी से ये मसाला पीनट। हम चले लाने आपके लिए और बहुत सारी डिलीशियस स्पेशल रेसिपीज़। बारिश के मौसम में खाने वाली काफ़ी सारी रेसिपीज़ आने वाली है हमारे चैनल पे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। तो फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं चुपके चुपके मत जाइए प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। बने रहिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ और बनाते रहिएगा अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। मैजिक किचन स्वाद का जादू, याद रखिएगा। फिर लाएंगे आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। चले बनाते हैं और नए प्रोग्राम और लाते हैं और नई रेसिपी। आपका प्यार यूं ही बरसता रहे मैजिक किचन कृष्णा में और बनाते रहें आप अच्छी अच्छी रेसिपीज और जगाते रहें स्वाद का जगह।